राहुल पांडे जय श्री कृष्णा। हाय एवरीवन, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो आपके अपने YouTube चैनल राहुल पांडे जय श्री कृष्णा में आप सभी का हृदय से स्वागत है मित्रों। तो समय को ज़्यादा ना गवाए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने पहले से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक विनती करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें। और वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को देखने के बाद कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, तो आज मैं आपको बताऊंगा, इंसान को अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति या पावर मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। आपके जाहिर से आपके हिसाब से जाहिर सी बात है कि उन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन किस तरह का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल या सही इस्तेमाल, ये तो इंसान को खुद ही सोचना पड़ता है, खुद ही डिसीजन लेना पड़ता है कि मिली हुई शक्ति का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। तो मैं आपको एक छोटा सा कथा सुनाता हूँ जो रामायण से जुड़ी हुई है। और इस कथा में आपको बता दूँ, कई लोगों के मन में प्रश्न आता है या आपके भी मन में कभी प्रश्न आए होंगे कि आखिरकार राम जी जो भगवान पुरुषोत्तम श्री विष्णु नारायण के अवतार थे, उन्होंने बाली जी को छुपकर क्यों मारा था, क्यों, है ना? तो मैं उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। और आप सोच के देखिए कि बाली और पवन पुत्र हनुमान जी अगर दोनों में अगर युद्ध छिड़ जाए तो क्या आप जानते हैं दोनों में से कौन जीतेगा? ये दोनों कथा एक दूसरे से जुड़ी हुई है जो मैं आपको इस वीडियो में इस तरह बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको राम जी ने क्यों आखिर के छुप के मारा था उस बात को मैं बताता हूँ, ठीक है। तो बात उस समय की है, तो मैं आपको बता दूं कि जब बाली जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे इतनी शक्तिशाली कर दीजिए, इतनी शक्तिशाली कि मुझे कोई भी परास्त ना कर पाए, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि स्वयं सर्वशक्तिमान श्री विष्णु नारायण तक ना हो, स्वयं महादेव मुझे परास्त ना कर सके। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी तुमसे सन्मुख आकर युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति तुम्हारे शरीर में समाहित हो जाएंगे। उसके बाद जब बाली जी ने पूछा कि आखिरकार मेरी मृत्यु कैसे हो गई, तो ब्रह्मा जी ने कहा वो आपको समय आने पर ही पता चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें उनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि उनकी मृत्यु कैसे हो गई। तो एक बात आप हमेशा जानिएगा, जब भी मिस्त्री एक घर बनाता है तो घर में जब तक छेद ना हो तब तक घर बनेगा नहीं, क्योंकि छेद इसलिए रखा जाता है ताकि उस पर बाँस का देख कर बाँस का माचन बनाकर दीवार को और बड़ा किया जाए। और जब तक दीवार में छेद नहीं रहेंगे तब तक माचन नहीं बन सकता। तो उसी तरह इंसान या कोई भी प्राणी देवी देवताओं से कुछ भी वरदान में मांग ले, कितनी भी चतुराई कितनी भी चालाकी से, लेकिन उनका मरने का कुछ ना कुछ रास्ता ईश्वर पहले से ही लिख के रख देता है कि इसकी मृत्यु इस तरह से होगी। तो इस तरह से जब हनुमान जी एक दिन तपस्या में रहते हैं तो बाली जी का कार्य होता है कि वो सबको ललकारता फिरता है, मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो, सब उससे हार जाता है। और जब हनुमान जी के पास एक दिन पहुंचता है तो हनुमान जी तपस्या करते हैं तो उन्हें कहता है कि हनुमान, तुम अपने आप को बहुत ही वीर समझते हो, तुम बहुत ही ताकतवर हो, सब कोई कहता भी है, मैंने सबके मुँह से सुना है कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो, तो तुम उसे युद्ध करो। तो हनुमान जी कहते हैं कि बाली काका, मैं आपसे नहीं सकूंगा, क्योंकि रिश्ते में चाचा लगते थे बाली हनुमान जी के, कहते हैं चाचा मैं आपसे नहीं सकूंगा, मैं तो आपसे ऐसे ही हार मान लेता हूँ, मैं आपसे नहीं सकूंगा। तब बाली जी को अहंकार हो गया और अहंकार में उसने कह डाला, क्या कह डाला कि अरे हनुमान, तुम तो क्या, तुम्हारा राम भी अगर आ जाए ना
तो भी नहीं सकेंगे मुझसे लड़ने। जब ये बात कहा तो हनुमान जी को क्रोध आ गया और वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। और युद्ध के लिए तैयार होने से पहले हनुमान जी ब्रह्मा जी से मिलने गए और ब्रह्मा जी को कहा कि आपके दिए हुए वरदान बाली ने, आपका दिया हुआ वरदान बाली देखिए गलत इस्तेमाल कर रहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, लेकिन हनुमान जी आप अगर उसके पास जाइएगा तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने 100 गुना में से 90 गुना शक्ति आप अपने राम जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और सिर्फ 10 गुना शक्ति आप उससे लेके जाइए। मतलब अपना अपने अंदर की जो शक्तियां हैं आप सिर्फ मतलब 10% ही लेके जाइए, ठीक है, 90% आप राम जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आपका 10% ही बहुत है। तो इस तरह जब हनुमान जी और बाली जी का सामना होता है एक दूसरे से, तो हनुमान जी जैसे ही उसके सामने जाता है तो हनुमान जी की जो 10% शक्तियाँ थी धीरे 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 बाली के शरीर में जा करके प्रवेश करते हैं, क्योंकि बाली को वरदान मिला था कि जो भी तुमसे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति तुम्हारी हो जाएगी। तो इसीलिए हनुमान जी की आधी शक्ति अब धीरे धीरे बाली के शरीर में जाने लगा और बाली के शरीर में जैसे ही जाता वो शक्तियाँ पूरी पूरी आधी शक्तियाँ गया भी नहीं था उसके शरीर में, लेकिन उसका शरीर तब तक जवाब देने लगा। उसका नसें इस तरह लग रहा था कि उसको इतना तकलीफ और इतना दर्द हो रहा है कि उसका नसें अब फटने ही वाला है, बाली को ऐसा लगने लगा। और तब वो रोने लगा, चिल्लाने लगा और तब ब्रह्मा जी को पुकारने लगा हे ब्रह्मदेव मुझे बचाइए, मेरे प्राणों की रक्षा करें, मैं क्या करूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा अगर तुम्हें बचना है तो तुम यहाँ से दूर भाग जाओ, क्योंकि हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं वो उसके 10% शक्तियों में से तुम्हारा 1% शक्तियाँ तुम्हारे शरीर में सहने की पावर नहीं है, शक्तियाँ नहीं है, तुम्हारे शरीर में उसकी 1% शक्ति को झेलने की क्षमता नहीं है। अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जल्दी यहाँ से कहीं भाग जाइए। तब बाली वहाँ से भाग जाते हैं, तब जाकर बाली का प्राण बचते हैं। तो ये बात है। तो उसी तरह तो हमें इस कथा से ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड या अहंकार या एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। अपने किसी भी चीज़ का, धन हो, संपत्ति हो, दौलत हो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो, उसका ईगो नहीं दिखाना चाहिए, एटीट्यूड मत दिखाइए, घमंड अहंकार मत कीजिए। और ख़ास करके अपने शरीर की शक्तियाँ, जवानी की जो जोश होती है, अपनी ताकत, उस पर तो अहंकार कीजिए ही मत। इस कथा से हमें ये सीख मिलता है। और इतना कहकर यहाँ पर कथा में विराम देता हूँ। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाता हूँ, ठीक है। और बाकी और भी आपको अगर विस्तार सुनना हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा और भी और अच्छे से विस्तार पूर्वक में इस कथा को सुनाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ कि राम जी ने छुपकर क्यों मारा था बाली जी को। राम जी ने छुपकर बाली जी को इसीलिए मारा था ताकि राम जी की आधी शक्तियाँ बाली के शरीर में ना चला जाए और पूर्व जन्म में बाली जी की जो कर्म है उसके कर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने पहले ही लिखा था कि तुम्हारी मृत्यु राम जी के हाथों, स्वयं भगवान विष्णु जी के हाथों छिपकर ही तुम्हें मारेंगे और तुम्हारा युद्ध होगा अपने भाई से और अपने भाई के कारण ही तुम मरोगे और भाई के कारण इसलिए मरे क्योंकि बाली भी गलती किए थे, उन्होंने अपने भाई को कभी जाने की कोशिश ही नहीं किया कि मेरे भाई ने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको जानना है तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर ये भी पूछेगा कि राम जी के और बाली जी की कथा जो क्यों छिपकर जो मारे थे, तो बाली और सुग्रीव के बीच में क्या हुआ था, क्या अनबन हुआ था, क्या बात हुआ था, वो सब और मैं विस्तार करके मैं आपको वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार राम जी बाली जी को छुपकर क्यों मारे थे।
तो मित्रों कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार मैं आपको कह दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों मिलते हैं आपसे आप नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।